अयोध्या। वर्षों से पत्रकारिता करने वाले अयोध्या धाम के बड़े बड़े पत्रकारों ने थाना महाराजगंज के SHO का नया फरमान सुना तो उन्हें चक्कर आने लगा। फरमान है कि पत्रकारिता करनी है तो महाराजगंज थानाध्यक्ष के इशारे पर करनी होगी। थानाध्यक्ष और तैनात दरोगा विजय यादव का तुगलकी फरमान है कि अगर आप पत्रकार हैं तो अपना काम कराइए और जाइए, यहां थाने में चल रहे भ्रष्टाचार को ऐसे चलने दे और यहां पत्रकारिता करने की कोशिश न करे, अन्यथा आपको जेल भेज दूंगा। मामला ये था कि एक पत्रकार जिसकी बहन का भूमि विवाद काफी दिनों से चल रहा था, उसने उसके समाधान के लिए प्रार्थना पत्र दिया था जिसका निस्तारण इसी बीते शनिवार को होना था। महाराजगंज थाने में एक पत्रकार को अपनी बहन के साथ समाधान दिवस में जाना मनगा पड़ गया। दरअसल सब इंस्पेक्टर विजय यादव द्वारा कुछ पैसों की डिमांड की गई जो कि पत्रकार के मोबाइल में कैद हो चुकी थी, यही जुर्म हो गया। मामले की जानकारी होते ही थानाध्यक्ष आग बबूला हो गए और उसकी मोबाइल छीनकर उसे जेल भेजने की धमकी दे डाली और बोला जहां के पत्रकार हो वहीं पत्रकारिता करना, थाने में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वीडियो बनाने की और अभद्रता करते हुए घंटों बिठाए रखा, ऐसे में तो सजा मिलनी ही चाहिए। न कोई एप्लीकेशन दिया, न आधार नंबर बताया, न दरोगा ने साइन किया और मुंह उठाकर छोटे दरोगा की घूस मांगने की वीडियो बनाने लगे। जितना डपटकर SHO ने पत्रकार को धमकाया है, अगर उतना डपट कर बोले होते तो दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान से आकर सरेंडर कर देता। प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को तो इस दरोगा के टैलेंट के बारे में पता ही नहीं तो अलकायदा ISIS के बड़े बड़े हैंडलर थाना महाराजगंज में बर्तन मांज रहे होते। यहीं से सवाल उठा कि यूपी में DGP बड़ा होता है कि दारोगा, तो समझ लीजिए ADG, IG, DIG, SSP, काबिल चाहे जितना बनते हो लेकिन बड़ा तो दारोगा ही होता है और महाराजगंज का दारोगा तो और भी बड़ा समझता है, खुद की नाम में ही महाराज लगा हुआ है। मतलब कानून के माथे पर चढ़कर बैठने वाला महाराज पत्रकार तो उस घड़ी को कोस रहा है जब वह अपनी बहन की मदद के लिए थाने गया था। मामले की जानकारी होते ही कई स्थानीय पत्रकार के निवेदन पर उसे पत्रकार को तो छोड़ दिया पर उसका मोबाइल जब्त कर लिया। मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी परंतु अभी तक पत्रकार की मोबाइल वापस नहीं मिली। पत्रकारों का समूह मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से करेगा। थाना दिवस था मया बाजार में, तो वहीं पे हम अपने बहन को लेके गए थे। वहाँ से जमीन के मामले में, वहाँ पे जमीन आज 6 महीने से मतलब दौड़ रहे थे, जमीन का मामला था, तो विजय कुमार यादव जो है बुलाए फोन कर दरोगा है वहाँ के, तो उन्होंने बुलाया कहा कि आओ हम तुम्हारा जो आदि निस्तारण करवा दें। तो हम लोग गए थे तो वो कानून को पहले हम लोगों को दूर कर दिए, उसके बाद अपना कुछ बात किए, फिर उसके बाद हमको अकेले में बुलाए, हमारे दीदी को कहे कि तुम यहीं रहो, तो हमसे कहें ऐसा है कि 20,000 रुपये तुम दे दो हमको, उसके बाद हम तुम्हारा काम करवा दें। विजय कुमार यादव जो दरोगा हैं उन्होंने, और हम मोबाइल अपना कैमरा लगा के उनका रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जब वो देखे कि हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है पूरा हो गया है, तो उन्होंने जबरदस्ती मेरा मोबाइल छीन लिया और हमको जो है जबरदस्ती थाने में अंदर लेके बैठा दिए। उसके बाद कहें कि अब तुम्हारे पर मुकदमा लिखा जाएगा, मोबाइल तुम्हारा नहीं मिलेगा, तो मेरा मोबाइल लेके गए फॉरवर्ड करवाने, डिलीट कर दिए वीडियो, अभी तक मोबाइल नहीं दिए मेरा, और कहें कि तुम्हारे पर मुकदमा कर देंगे और तुम्हें जेल भिजवा देंगे। हम भी एक सर्वोच्च दर्पण न्यूज के रिपोर्टर हैं, उसके बाद हमने उनको कॉल भी दिखाया तब भी हमारा बात नहीं माने, उनको बैठा लिए थे। फिर उसके बाद हमको जो है वो थोड़ी देर बाद हमको छोड़ दिए, कहे ऐसा है तुम जाओ, अब मोबाइल नहीं दिए हमको, तो हम 1 घंटे बाद अपने दीदी के साथ चले आए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव, संगीता है, और हमको थाने से फोन आया महाराजगंज, आज हम अपने भाई हंसिक के साथ गए थे वहाँ पे, तो उसके बाद जो है बोले कि अब लेट हो गया, तो हमने कहा सर हम बाहर दूर से आ रहे हैं इसीलिए हमको लेट हो गया। फिर उसके बाद जो है हमारे भाई को अलग कर दिया गया, भाई को बुलाया गया, तो भाई से कह रहे हैं कुछ पैसे की व्यवस्था कर दो, आज विजय कुमार दरोगा जो है वो बोले, तो उसके बाद भाई का अच्छा ठीक है दीदी को हम बुला रहे हैं, तो कहा कि वो बोले कि नहीं दीदी को अभी मत बुलाओ, दीदी को बाद में बता देना। तो उसके बाद फिर अचानक से मोबाइल इनका ले लिए मेरे भाई का, जबरदस्ती चेक को करने लगे, तो उसके बाद उल्टा सीधा भाई को भी बोले, तो उसके बाद कहे तुम वीडियो बना रहे हो, तो हम कहे कि नहीं सर वीडियो नहीं बना रहे, तो जबरदस्ती मोबाइल ले लिए चेकअप करने लगे, सब पूरा उनका रिकॉर्ड हो गया था जो जो बोले थे उसमें। उसके बाद जो है फिर मतलब उसके बाद फिर हमको भी उल्टा सीधा बोलने लगे और फिर गाली वाली देने लगे कि ये है वो है,
और चैनल पे जो है तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे और तुम अपना अथॉरिटी लेटर लाओ, ये लाओ, वो लाओ, सब मतलब खूब उल्टा सीधा वहाँ पे एक दरोगा और बिठे हैं, उनका नाम नहीं देखो, वो गाड़ी में बैठे थे, कहीं उनको भगा दो और इसका काम करना मत बिल्कुल। और एक घंटे से हम परेशान थे, कई बार काल भी किए जब पुलिस मोबाइल लेके चला गया, हमने कहा सर फॉरवर्ड हो गया हो तो कम से कम मेरा फोन तो आप वापस कर दीजिए, उसके बाद मेरा फोन भी वापस नहीं किए। फिर उसके बाद हम लोग चुपचाप घर चले आए, दोबारा फोन दो बार किए थे लेकिन हम घर आ चुके थे, तो हमने कहा अब हम सर घर आ चुके हैं, दो घंटे वहाँ बैठे थे वेट किए, हम घर आ गए हैं, अब फोन हम वहाँ पे नहीं लेने आ पाएंगे, कोई है नहीं, किसके साथ आए फोन लेने। तो पहले भी हम करीब 6 महीना पहले पूरा बाजार में ठंडी का टाइम था, 1000 रुपए नहर के पास वहाँ बगल में दुकान है 1000 रुपए, उनका नाम वीरेंद्र है, कानून वो गिरिजा प्रसाद वर्मा है, उन्हीं के साथ ये रहते हैं, उनको हमने 1000 रुपए दिया वो मांगे, उसके बाद फिर हमको टाइम दिए जमीन नापने के सिलसिले में। आजकल दौड़ाते रहे, कई बार हम गए भी जो कि उनका वीडियो भी मेरे पास है, मेरे फ्लैट पे गए भी कई बार, उसके बाद नहीं नापे, आज फिर मेरे पास फोन आया, फिर आनाकानी कर दिया हमको बुला के।